Shri Lal Singh Vadodia. Maniya Upadhyaksh ji. पहले तो राजीव गौड़ा जी आप प्रथम बार हमारे डेप्यूटी स्पीकर के रूप में विराजमान हुए हैं तो हम सब की ओर से आपको हम धन्यवाद देते हैं। सरोगेसी विधेयक 2019 में मुझे कुछ सुझाव के रूप में माननीय मंत्री जी को माननीय उपाध्यक्ष जी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। कई लोगों ने कहा कि विदेशियों यहाँ आके पेरेंट्स बच्चा पैदा करने के लिए आते हैं, लेकिन जुलाई 2015 के बाद जो MHA का निर्देशन हुआ है उसके बाद कोई विदेशी यहाँ आके अपना बच्चा पैदा करने के लिए नहीं आया है। इसलिए ये बात ध्यान में रखना चाहिए। आज की तारीख में जो भारतीय है उसी परिवार को सरोगेट वुमन के द्वारा बच्चा पैदा करने के लिए इजाज़त दी जाती है। हमारे देश में हर 4000 बच्चियां पैदा होती है, इसमें एक बच्ची को गर्भाशय यानी यूट्रस नहीं होता है। इसके हिसाब से 1,75,000 ऐसी बच्चियां है जो स्त्री बनने के बाद शादी के बाद माँ नहीं बन सकती है, तो इनके लिए ये सरोगेसी है वो एक उपाय है कि वो अपना बच्चा दूसरे की कुक लेके भी पैदा कर सकती है। ये सरोगेट वुमन का 25 से 35 साल का जो नियम है, मैंने खुद हमारे आनंद जिले में एक हॉस्पिटल है वहाँ विजिट किया था, तो वहाँ तो सरोगेट वुमन के रूप में 2 बार 3 बार भी औरों के लिए बच्चे पैदा करने वाली महिला को भी मैंने देखा है। तो जो एक बार का नियम सरकार लगाना चाहती है तो मेरी विनती है कि 2 बार सरोगेट वुमन के रूप में वो सेवा करे, ऐसा प्रावधान रखना चाहिए। हमारे देश में कुछ समय से 21 साल का लड़का और 18 साल की लड़की की शादी होती है, ऐसा नहीं है। अभी तो 35 साल के बाद भी कुछ लोग शादी करना चाहे ऐसा मन बनाने को तैयार होते हैं। तो जो बड़ी उम्र में शादी करते हैं इनके लिए जो 5 साल का वेट करने की बात है वो मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा है। तो 1 साल में इनको ये छूट देनी चाहिए कि 1 साल के बाद दे कैन टेक डिसीजन फॉर दैट। एबॉर्शन कराने के लिए सिर्फ सरोगेट वुमन को ही ध्यान में रख के निर्णय लेना चाहिए जो बात है, इसमें अगर डॉक्टर को भी कंसर्न किया जाए और सरोगेसी से जो माँ बाप बच्चा पैदा करना चाहते हैं इनकी भी राय इसमें लेके अगर निर्णय लिया जाए तो वो अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है। और परिवार के संबंध में ही किसी वुमन को सरोगेट वुमन बना के ये बच्चा सरोगेसी से पैदा करने की बात है वो हर एक परिवार में मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। तो हमारे भारत के किसी भी महिला ये सरोगेट वुमन बनके इच्छित परिवार को बच्चा प्राप्त करा सके, ऐसा प्रयोजन रखना चाहिए। जो महिला सरोगेट वुमन के रूप में 9 महीने तक हॉस्पिटल के निगरानी में रहती है तो कभी कभी इनके बच्चे भी साथ में होते हैं।
तो इन बच्चों की पढ़ाई भी हो सके, इनके रख रखाव के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि सरोगेट वुमन को भी अपने बच्चे अपने परिवार के लिए अगर वो व्यवस्था होगी तो चिंता नहीं रहेगी। जो सरोगेट वुमन 9 महीने के लिए अपनी गोद देती है, तो मेरे ख्याल से इनको मुआवजे के बदले में भी कई सदस्यों ने बताया कि इनके साथ धोखाधड़ी भी होती है, पैसा भी कम दिया जाता है, उसकी बजाय जैसे सब्सिडी इनके लाभार्थी के खाते में जमा हो जाती है, उसी तरीके से गवर्नमेंट को मध्यस्थी बनके वो सरोगेट वुमन के खाते में चौकस आए रुपया जमा हो जाए, ऐसा प्रावधान रखना चाहिए। बच्चे के अधिकार के बारे में तो जो नॉर्मली हर एक माँ बाप का बच्चा होता है और उसको जो अधिकार मिलना चाहिए मिलता है, वही अधिकार सरोगसी से प्राप्त बच्चे को भी मिलना चाहिए। ये सरोगेसी सिस्टम से जो माँ बाप बच्चा प्राप्त करते हैं, इनमें अगर कोई झगड़ा हो जाए तो जो केस में सजा का प्राधान्य है, तो उसकी जगह दंड की अगर व्यवस्था करें, क्योंकि बच्चा प्राप्त वही लोग सरोगेसी सिस्टम से करना चाहते हैं कि जो बात अपने माध्यम से वो संतोषकारक नहीं कर सकते हैं, तो इनको सजा की जगह दंडात्मक प्रावधान से सॉल्व किया जाए तो अच्छा होगा। और जो सरोगेट वुमन ये सेवा देती है, उसको जो 16 महीने का बीमा की बात है, तो कई सदस्यों ने कहा है, मैं भी कहता हूँ कि पूरे लाइफ के लिए इनको सेफ्टी के लिए बीमा दिया जाए, ऐसी अगर व्यवस्था होगी तो अच्छा होगा। मैं ये बिल का समर्थन करता हूँ, लेकिन साथ साथ में जो हमारी विनती है, हमारे सब सदस्यों ने भी जो विनती किया है उसको भी गौर किया जाए तो अच्छा रहेगा, ऐसी मेरी आशा है। थैंक यू। थैंक यू।